अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वादिष्ट दस्तरखान में। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही कीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुकर को गैस पे रखना है और उसमें 3 चम्मच तेल डालना है। तेल अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे गरम करना है। तेल अच्छी तरीके से गरम होने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करना है और उसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालना है। कांदा डालने के बाद हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कांदा अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसे कांदे में अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो कांदे से चली जाए। कांदा अच्छी तरीके से भून जाने के बाद अब हमें इसमें 250 ग्राम कीमा डालना है और उसको कांदे के साथ अच्छी तरीके से भूनना है। हमें कीमे को तब तक भूनना है जब तक उसका पानी सूख नहीं जाता। देखिए, अब हमारा कीमा भी अच्छी तरीके से भून चुका है। इसका जो भी पानी था वो पूरा सूख गया है। अब हमें कीमे में 1/2 कटोरी दही डालना है और दही को भी कीमे के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। अभी हमें 1 मीडियम साइज टमाटर बारीक काट के दही और कीमे में डालना है और उसे भी अच्छी तरीके से भून लेना है। सारी चीजें अच्छी तरीके से भून जाने के बाद हमें इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच काली मिरी का पाउडर डालना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्ची 1 चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़ी सी कोथमीर को इस तरह दरदरा पीसकर खीमे में डालना है, 1 चम्मच धनिया की बुक्की, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालना है और हमें सारे मसाले डालने के बाद खीमे को अच्छी तरीके से भूनना है। खीमे को तब तक भूनना है जब तक इसका तेल ना छूट जाए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब हमें इसमें 1/2 कटोरी पानी डालना है ताकि हम खीमे को अच्छी तरीके से भून सके। हम खीमे में पानी इसलिए डाल रहे हैं कि खीमा चिपके ना। अभी हमने कुकर को ढक दिया है। इसे 2 सीटी आए तक इसे छोड़ देना है। 2 सीटी हो चुकी है, अब हम खीमा चेक कर लेंगे। देखिए हमारा खीमा कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। 250 ग्राम खीमे में हम 150 ग्राम मेथी की भाजी डालेंगे। मेथी की भाजी हम इसलिए डाल रहे हैं, खीमे का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है इससे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और भाजी को खीमे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों में अच्छी तरीके से क्रश करके हमें खीमे में डालना है। कसूरी मेथी हम इसलिए डाल रहे हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अभी हमने इसे ढक दिया है। 5 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पे छोड़ देंगे। हमारा शाही खीमा बनके तैयार हो चुका है। तो ये थी हमारे शाही खीमे की रेसिपी। आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये शाही खीमे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।